आदमी और किताबों के बीच की खाई को आधुनिकता ने चौड़ा कर दिया है। मोबाइल क्रांति ने लोगों के ज्ञान को तो बहुत बढ़ाया, लेकिन किताबों का मानव जीवन में अपना ही महत्व और स्थान है। दुर्भाग्य से आज के युवा किताबों से दूर हो रहे हैं और अपने मोबाइल फोन पर अधिक समय बिता रहे हैं। बरनाला के दीवाना गांव के युवकों के एक समूह ने पुस्तकों और लोगों के बीच की खाई को पाटने के लिए एक सराहनीय पहल की है। उन्होंने शहीद करतार सिंह सराभा के नाम पर एक पुस्तकालय खोला है, जहां लोगों को किताबें उपलब्ध कराई जा रही हैं, ताकि उन्हें किताबें पढ़ने की आदत लग जाए। इसके अलावा गांव की दीवारों पर रंगीन पेंटिंग्स बनाई गई हैं, जिनमें किताबें पढ़ने के महत्व को दर्शाया गया है। इससे लोगों को पुस्तकालय की ओर आकर्षित करने में मदद मिली है। बहुत ज़्यादा वधिया हंगारा मिलिया जी सानू। बहुत सारे लोग आ जिहड़े कह रहे भी साडी कंध ते बनाओ, इत्थे बना दो, पर ये आ भी थोड़ा जिवें बजट की अपनी समस्या होंदी आ, तां असीं फिलहाल 10 पेंटिंग्स ही बना रहे हैं। सहयोग रहिंदा तां असीं अगले गेट दे विच होर पेंटिंग्स भी बनावांगे। महान लेखकों और कवियों ने जो लिखा है उनका चित्रों के साथ उल्लेख करके किताबों के महत्व को बताया गया है। अलग अलग जगह ते पिंड दे विच बना रहे हैं, पूरे पिंड नूं असीं जिवें फिरनी आ जी उवें कवर कर रहे हैं। जिहड़े बच्चे आ नौजवान वो किताबों ना जुड़न जी, तो पिंड दे विच लाइब्रेरी है, सानू आए हैं भी जिहड़े बच्चे मोबाइलों ना जुड़े हुए आ वह कम से कम इन्हां नू देख के पढ़ के लाइब्रेरी। दीवारों पर कवि पाश के क्रांतिकारी शब्दों और अपने समय के प्रसिद्ध लेखक मैक्सिम गोर्की के विचारों के साथ बाबा नाज़मी की कविताएं लिखी गई हैं। इसके अलावा शहीद करतार सिंह सराभा की पेंटिंग सभी को आकर्षित करती है। हर कोई इस पहल के लिए पुस्तकालय प्रबंधन की तारीफ कर रहा है। लोग आने वाले जी छोटी जनरेशन आ वो मोबाइल ना बद जुड़ी भी आ, इन्हों का ये उपराला भी किताबों ना जोड़न एक चंगा संदेश जाऊगा। जो महामारी के लोग इधर मोबाइल ज होर पास लगे हुए आ, हाँ जी साढ़े पेंटिंग कोई 10-15 है, 5-7 थावान पेंटिंग वधिया थावान कर रहे, असी इन्हों आप कहा पेंटिंग कर लो जी चीज़ मर्जी। दीवार पर चित्र बनाकर इस तरह से लिखने का असली मकसद लोगों को, विशेष रूप से युवाओं को, पुस्तकों से दोस्ती करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस प्रयास की हर जगह प्रशंसा हो रही है। जदों की लोग इत्थे आके खड़दे ने जिवें कोई सी इह पास दी पेंटिंग बना रहे सीगे, तां इत्थों दे कुछ कु किरती लोग सीगे जिहड़े आपां मोस्टली सिंगल ते रहिंदे नेगे, उह भी आ के कविता पढ़दे सी ते कई वार सवाल भी करदे सीगे। जदों इत्थे नौजवान खड़दे ने उह आपस च रैप विचार करदे ने तां उहनां वास्ते इक उह माहौल सिर जा जांदा, ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਧੀਆ ਦੇਣ ਹੈਗੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਤਾਬੋਂ ਕੋ ਗੁਪਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੀਵਾਨਾ ਗਾਓ ਕੇ ਪੁਸਤਕਾਲੇ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਕਿਤਾਬੋਂ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨੇ ਕਾ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਆ ਹੈ। ਯੁਵਾਓਂ ਕੋ ਕਿਤਾਬੋਂ ਕੋ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਬਣਾਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਕੀ ਇਹ ਅੱਛੀ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਕਿਤਾਬੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਕੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਕੋ ਬੜਾਵਾ ਦੇਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਹਰ ਗਾਓ ਮੇ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕਾਲੇ ਹੋਣਾ ਸਮੇਂ ਕੀ ਦਰਕਾਰ ਹੈ। यह आज के युवाओं को उनकी संस्कृति, साहित्य और इतिहास को बेहतर तरीके से समझने में मदद करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत। 2400 घंटे लगातार खबरें देखने के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप।